हाय गाइस, वेलकम टू 11M क्लब वीडियो फॉर महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 and 5 इयर्स। और ये सेकंड वीडियो है, सो ऑल द स्टूडेंट दोज हैव नॉट येट वॉच फर्स्ट वीडियो, काइंडली गो एंड वॉच फर्स्ट वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड दोज हु आर टारगेटिंग फॉर MSCET लॉ 3 and 5 इयर्स एग्जामिनेशन। बिकॉज इन दिस वीडियो आई विल बी गिविंग द कंप्लीट डे वाइज प्लानिंग, ठीक है। 3 days इन अ वीक अपने को प्रिपेयर करना है और हर दिन क्या करना है वो मैं इसमें गाइड करूँगा आपको। इन एडिशन टू दिस, जो भी हर्डल्स आएंगे उस पर भी आप कमेंट में मुझे डाउट पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली 11 to 12 के बीच में आई विल गिव यू आंसर फॉर योर क्वेश्चंस, जो भी आप कमेंट में मुझसे पूछोगे बेसिकली। ऑल्सो द एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज वेरी सिंपल कि अपने को GLC मुंबई जाना है एंड IELTS पुणे, ये दो कॉलेज के लिए अपने को टारगेट लेना है। सो स्टिल वी हैव अ मच टाइम, 5-6 महीने का टाइम है प्रिपरेशन को लेकर के, तो डे वाइज प्रिपरेशन विल डू, तो डेफिनेटली अपना सिलेक्शन फॉर श्योर है। सो आज के डेट में अपने को स्टार्ट करना है स्पीड मैथ्स। 3 years, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे 5 years स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स तो करना पड़ेगा। और 3 years में भी पजल वाले मैथ्स आते हैं, तो अपने को स्पीड मैथ्स चाहिए। स्पीड मैथ्स में एडिशन हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये सब स्कूल में आपने किया हुआ है। स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो कुछ होमवर्क भी दे रहा हूँ मैं। 1 to 20 तक का आपको टेबल पता होना चाहिए, 1 to 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, 1 to 20 तक का क्यूब, ये आपको डेटा याद होना चाहिए। ये आपके नंबर सीरीज और अदर जो पजल ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें काम आएगा आपको। सो इसको लेके शॉर्टकट ट्रिक्स आपके मेन्यूअर के पोर्टल पे है। अगर आप मेन्यूअर के लाइव क्लास स्टूडेंट्स हो या आपके पास प्री रिकॉर्ड आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो आपके पोर्टल पे ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। सो काइंडली वॉच दिस वीडियो एंड लर्न द ट्रिक्स एंड उसको प्रैक्टिस में लेके आओ, जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं होगा नहीं। तो ये काम करना है आज अपने को। दूसरा, April 2021 का करंट अफेयर्स चालू करना है आपको। तो वंस अगेन, ऑन योर पोर्टल ओनली देर इज़ अ हैंड आउट्स गिवन अप्रैल मंथ को लेके, उसको डाउनलोड करो और week 1 आज चालू करो और उसके बाद उसका वीडियो देखना अपने को, ये काम करना है। दूसरा, इंग्लिश में आपको नाउन स्टार्ट करना है, ग्रामर रूल पहला नाउन। तो नाउन अगेन आपके पास ग्रामर रूल का हैंड आउट्स है, 100 rules का PDF है आपके पोर्टल पे मेन्यूअर के। इफ़ यू आर नॉट मेन्यूअर स्टूडेंट, तो जो भी आप ग्रामर की बुक रेफर कर रहे हो उसमें से आप नाउन कंप्लीट करो एंड डू वॉच वीडियोज ऑल्सो बेस्ड ऑन द नाउन ऑन योर पोर्टल, मेन्यूअर के पोर्टल पे है। सो ऑल द रूल्स यू शुड अवेयर ऑफ रिगार्डिंग द नाउन, जो आपके रिडक्शन में काम आएगा। 2 hours डेली बेसिस पे अपने को डिवोट करना है फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग page 1 एंड एडिटोरियल को लेकर के 1 hour। उसके बाद स्टैटिक GK में भी अपना हिस्ट्री चल रहा है, वो भी एंशियंट चालू किया है अभी हमने, और RC सॉल्व करना है। तो RC आपने पहले लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए, और आज वाले वीडियोस में भी बोल रहा हूँ RC सॉल्व करना है। तो अपना ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन वीडियो आएगा, और संडे को अपन रिवीजन मोस्टली करेंगे, तो उसको लेके भी मैं नेक्स्ट वीडियो पे बता दूंगा क्या क्या करना है। बट 2 hours आपको स्टैटिक GK, RC और न्यूज़पेपर। तो अपना इंग्लिश और GK, ये ही दो एग्ज़ाम, ये दो सेक्शन गेम चेंजर होते हैं, तो इस पर अपने को ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ज़्यादा वर्कआउट करना। अपना बेस अभी हम अच्छा कर रहे हैं, तो ये वीक का जो टाइम है वो हम बेस पे काम करेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे और ग्रेजुअली हम टॉपिक को उठाएंगे। मतलब आप प्रिपरेशन भी ऐसे स्लोली हो जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा कब अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। और डेफिनेटली विद दिस प्रिपरेशन यू विल बी हिटिंग 120+125+ स्कोर इन MH लॉ CET 3 and 5 ईयर्स एग्जामिनेशन 2022। एंड या वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सेपरेट यूट्यूब चैनल इज देयर फॉर लॉ एंट्रेंस, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये चैनल है आपका लॉ एंट्रेंस को लेकर के, इसको सब्सक्राइब कर लो, इस पर मैं लाइव आने वाला हूँ। और राजा सर का जो GK का वीडियो आता है 12 बजे, उसको भी कनेक्ट हो, आपका GK इम्प्रूव होगा और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो ये राजा सर का वीडियो GK का, जो मंडे टू फ्राइडे 12 PM आता है, तो उस पर भी कनेक्ट हो, आपके डाउट भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। सो दिस विल हेल्प इन योर प्रिपरेशन एंड काइंड ऑफ वन एड ऑन विथ रिगार्ड्स टू दी करंट अफेयर्स, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।